वेलकम बैक टू हाउ टू ग्लो यूट्यूब चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आहा ग्लो फेस वॉश के बारे में। तो यार इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मोटिव थे, तो पहला मैं आपको अभी बता देता हूँ और सेकंड रीज़न जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में या इस वीडियो के मिड में बताऊंगा। तो पहला रीज़न मेरा यह था कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आहा ग्लो फेस वॉश को यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उस पर एक रिव्यू वीडियो चाहिए ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि ये फेस वॉश किस तरह से काम करता है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह से इसके साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरह से इसके इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो और वैसे भी अगर आपने मुझे कुछ बनाने को बोला है तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा, तो इसीलिए रिव्यू मैंने बनाया है। और अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक दो दिन में मैं उस पर रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द। सबसे पहले इस फेस वॉश की पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। येलो और ग्रीन कलर का जो मिक्स है वो काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग लगती है। ये एक जेल टाइप का फेस वॉश है, वैसे ये एक फोमिंग फेस वॉश है, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक जेल की कंसिस्टेंसी जैसी है। दूसरी बात, ये तीन वेरियंट्स में आता है। एक आता है 50 ग्राम्स, बिकॉज इसमें जेल है इसलिए इसकी पैकेजिंग पर लिखा है 50 ग्राम्स, 50 ml बोल लीजिए एक ही बात है, तो 50 ml, 100 ml और 150 ml। तो 50 ml आपको एक महीना चलेगा, आपका 100 ml आपका एक से डेढ़ से दो महीने के बीच में चलेगा और 150 ml आपका दो से ढाई महीना चल जाएगा। तो इस तरह से आपको इस फेस वॉश को दिन में दो बार यूज़ करना है। अब ये फेस वॉश किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, तो देखो यार, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने हो रहे हैं अपने फेस पे या पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स और एक्नेस में एक फ़र्क है कि पिंपल्स होते हैं एक दो, एक्ने होते हैं चार से पाँच के नंबर्स में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे माइल्ड टू मॉडरेट एक्नेस हो रहे हैं अपने फेस पे तो आपको इस फेस वॉश को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर कॉम्बिनेशन है, अगर किसी भी तरह की आपका स्किन टाइप है, ये आपको सूट करेगा, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको नहीं देगा। इस फेस वॉश की सबसे अच्छी जो इसमें मेरे को अच्छी चीज़ लगी, इसका की इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ये हमको शुगर केन से को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एक तरह का AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसका जो मेन पर्पस है, ये आपकी स्किन की जो अपर लेयर है उसको अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्सफोलिएटिंग होती है, तो उससे बेनिफिट क्या है, ये आपके पिंपल्स के साथ साथ आपके पिंपल्स के एक्नेज के स्कार्स को भी रिमूव करता है। अगर आप इसका डेली दो बार दिन में यूज़ करोगे तो अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने हैं तो आपको उनके स्कार्स के साथ साथ आप उनको भी रिमूव कर सकते हो विद इन अ मंथ, क्योंकि ये अच्छा और इफेक्टिव है। इसीलिए आप इसको एक मंथ यूज़ कीजिए और आपके सारे पिंपल्स और एक्नेस हटने लगेंगे। दूसरी बात, ये फेस वॉश उन लोगों को, जो लोग इसको फेस वॉश को यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ करते समय आपको एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपको सन में जाने से पहले अपने फेस को कवर करना है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को थोड़ा सा जो है थिन बना देता है, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है धूप की तरफ, ठीक है। वैसे इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है ग्लाइकोलिक एसिड की, तो इस तरह की आपको जो दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिलता है जो कि सूदिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है आपकी स्किन के ऊपर, तो और इसकी जो जेल बेस्ड जो कंसिस्टेंसी है उसको भी मेंटेन करता है। इसके अंदर आपको बीट्स, छोटे छोटे बीट्स देखने को मिलेंगे जो कि ग्लाइकोलिक एसिड है, जो कि आपकी स्किन पे सीधा वर्क करता है, मर्ज हो जाता है जब आप इसको यूज़ करते हो, तो उससे क्या एक अच्छा लेदर क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया एक ही तरह का फोमिंग फेस वॉश है, तो फोमिंग फेस वॉश बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज ये इफेक्टिवली वर्क करता है आपकी स्किन पे। और इस फेस वॉश की कीमत की अगर हम बात कर लें तो अभी अमेजोन पे ये 234 रुपये की इसकी कीमत है, 50 ग्राम्स की जो पैकेजिंग है उसकी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन को ज़्यादा ऑयल नहीं बनने देगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, आपको ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगा, उल्टा ये आपकी स्किन केयर में एक अच्छा फेस वॉश साबित होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कीजिए, आपको
जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको एक्नेज हैं, पिंपल्स हैं, छोटे मोटे रैशेस हो जाते हैं, तो वो सब इसको इजीली ट्रीट करेगा। ग्लाइकोलिक एसिड की सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक्सफोलिएट करता है, इससे आपकी डेड स्किन धीरे धीरे रिमूव होती रहेगी और आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और आपकी स्किन अच्छी रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। नहीं होया चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी अच्छे से मैंने इस रिव्यू में समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।